कैसे कर रहा यार गुरु, ये देख रहे पापा गुड्डी उड़ने लग गया है। ओह गुड्डी तो देखा, गुड्डी तो देखा, गुड्डी देखो पापा। हेलो गाइस, ये मेरे फ्रेंड के देखो गुड्डी उड़ा रहा है। देखो ये सारा सूता मैं खोल दूंगा, यानी कि अभी देखता हूँ यानी कि अभी कितना ऊपर तक ये जाता है। डब गए ना आप लोग, क्योंकि मैं वो कैसा ऐसा आज जब आता हूँ। ओ सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, रहीम अलग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो कुछ अलग ही टाइप का, अलग ही लेवल का होने वाला है बाबा, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर में आज कोई ब्लॉग नहीं होने वाला है गाइस। आप लोगों तो ब्लॉग बहुत देखा मेरा, यानी कि ब्लॉगिंग करते होता पागल वगैरह, ब्लॉगिंग तो बहुत देखा, लेकिन आज पहली बार आप लोग मेरा एक मतलब मैं आज कुछ बना के आप सभी को दिखाऊंगा। बहुत हुआ ब्लॉगिंग करना, आज है यानी आज का वीडियो जो होने वाला है, यानी कुछ मैं आप सभी को बना के दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो पर एंड तक बन रहना, क्योंकि आज मैं आप सभी को एक कागज़ की पतंग उड़ाने मतलब उड़ाने दिया यार, बना के दिखाने वाला हूँ। क्योंकि कागज़ का पतंग कैसा होता है यार, कैसा आप लोगों ने दुकान में जाके जो खरीदी पतंग हो देखी होगी जो कैसा होता है, लेकिन आज मैं पहली बार आपका भाई यानी कि रहीम एलेक्स खुद से अपने हाथों से एक कागज़ का पतंग बनाएगा और हवा पे उड़ाएगा। तो आप लोग उड़ा के भी दिखाऊंगा, बना के भी दिखाऊंगा। तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहना, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो और एलेक्स बॉय फैमिली ज्वाइन करो। तो इस वीडियो पे एंड तक बने रहना, आप भी अपने घर पे यानी कि मेरी तरह कागज़ की पतंग बना के उड़ा सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देख के जाना, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कागज़ की पतंग कैसी होती है। तो पूरा वीडियो देखना, स्किप गलती से मत करना भाई लोग। तो चलो मैं शुरू करता हूँ आज यानी कि धमाकेदार वीडियो रे बाबा। कागज़ की पतंग बनाने के लिए यानी कि आपको चार चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। पहला होता है एक ग्लू, उसके बाद दूसरा कैंची, उसके बाद तीसरा होता है यानी कि जो सहारा होता है ना झाड़ू देने वाली, उसके टिन के, उसके बाद एक न्यूज़पेपर। आपको पता है ये न्यूज़पेपर मुझे फ्री में मिला, मैं ख़रीदने के लिए गया था लेकिन दुकान वाले ने मुझको फ्री में दे दिया। इसका क्या पैसा लेगा यार वो, इसने बोला तू फ्री पे ले ले, पैसा नहीं लूँगा। मेरे को इसको चार शेप करके काटना पड़ेगा, यानी कि इसको ऐसे करके लेके यानी कि चार शेप में इसको काटना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको चार शेप में काट लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं डिज़ाइन देता हूँ। देख सकते हो थोड़ा काम हो चुका है यार, थोड़ा काम बाकी है। यानी कि मेरे की एक ग्लू जो देख रहे हो ना, इस ग्लू पे अभी ये चिपक नहीं रहा है ठीक से, यानी कि मुझे थोड़ा चावल की ज़रूरत पड़ी। तो चलो घर से नीचे से यानी कि चावल लाता हूँ। चलो चावल लेने के लिए पहले चलता हूँ। गाइस मेरे को थोड़ा सा ही मिला, उतना नहीं मिला, तो देख सकते हैं मेरे को यानी कि इतना सा ही मिला, यानी कि सारा चावल खत्म हो गया, यानी कि उसको सारा खाना मतलब खाना खत्म हो गया है सारा चावल। इतना सा बचा, मैंने किसी तरह इसको चून घुड़ा के लाया है, इतना सा है देख सकते हो। अब मेरे को यानी कि इसी से ही काम चलाना पड़ेगा, तो चलो इसी से मैं काम चलाता हूँ। भाई लोग पतंग बन के पूरी तरह से तैयार हो चुके, तो आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, यानी कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए मैंने उसको थोड़ा जल्दी बना दिया। तो ये दिखाने वाला रे बाबा था, रुको रुको यार थोड़ा सब्र करो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरा पतंग, ये लेज देख सकते हो, इतना बड़ा बना है यार। इसमें ये लगाया है, ये दिया है, ये दिया है, इसमें ये भी लगाया है। पतंग कैसा बना कॉमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा है या नहीं है। आप भी अपने घर पे बना सकते हो और अपने हाथ उसे बना के उड़ा सकते हो। खरीदा वाला तो अलग हो गया यार, लेकिन खुद के हाथ उसे बना के उड़ाना मतलब
वो थोड़ा मतलब एक डिफाइनिंग करता है यार खुद पे, एक खुद के हाथों से बनाओ उसको उड़ाओ, मतलब होता है यार ऐसा कभी। लोग इस पे यानी कि एक थोड़ा कमी है, यानी कि इसमें एक चीज़ मैंने अभी भी नहीं लगाया, उसमें लगाना पड़ेगा, यानी कि धागा इसमें बांधना पड़ेगा। तो धागा एक इधर एक छेद करना पड़ेगा, एक इधर करना पड़ेगा और एक इधर और इधर, इसके बाद इसमें धागा बांधना पड़ेगा, इसके बाद मैं इसको उड़ाऊंगा। तो फिर चलो पहले मैं नीचे से धागा लाता हूँ। साला घर पे धागा ही नहीं है, तो धागा खत्म हो गया घर से, ठीक है, तो मुझे बाजार जाना पड़ेगा, बाजार से खरीद के लाना पड़ेगा। तो चलो बाजार जल्दी चलता हूँ। देखो ये रहा मेरा केटीएम, यानी कि इधर ये रहता है, ओके, मैं इसको इधर ही रखता हूँ, इधर ही इसका घर है, यानी कि ये इधर ही रहता है मेरा केटीएम। केटीएम को लेके यानी घर से मैं बाहर निकल चुका हूँ, अभी मैं बाजार की ओर ही जा रहा हूँ, ओके। तो बाजार पे जाके मुझे धागा खरीदना है, तो चलो जल्दी से बाजार पे जाके यानी कि मैं धागा पहले खरीद लूँ। अरे बाबा कभी गिर गया था, बच गया। ये देखो मैंने धागा ला दिया, यानी कि इसके 3 रुपीज पड़े, ओके, 3 रुपये में मैं इसको परचेस किया। बहुत थक गया यार, बहुत दौड़ना पड़ा, कुछ भी घर पे नहीं था यार, चावल था ना धागा था, खरीद के लाना पड़ा, अब इसको उड़ाना पड़ेगा। तो चलो पहले मैं सूर आने की तैयारी कर लेता। तो भाई लोग ये बन चुका है, यानी कि इसमें मैंने धागा वगैरह बांध दिया है, अब मैं इसको ले जाके लदी पे यानी कि उड़ाऊंगा। पता नहीं गाइस ये उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, मेहनत करे तो बना है, उड़ जाए अच्छा होगा, उड़ने से अच्छा होगा। तो उड़ेगा या नहीं उड़ेगा, तो चलो उसको पहले मैं उड़ा के तो देख लेता हूँ। रे बाबा भाई लोग यानी कि मैं लदी पे आ चुका हूँ, अरे ये मेरा गुड्डी, इसको मैं तैयार कर चुका हूँ, ओके। तो मेरे कैमरा मैन की जरूरत पड़ेगी, एक मैं तो खुद उड़ा के कैमरा नहीं कर सकता, तो एक कैमरा मैन है यानी कि वो, उसको मुझे कैमरा मैन बनाना पड़ेगा। तो उसको पहले मैं कैमरा पकड़ा देता हूँ, उसके बाद मैं गुड्डी उड़ाता हूँ। तो कैमरा पकड़ ले रहा हूँ। तो भाई लोग अपन रेडी हो चुका है गुड्डी उड़ाने के लिए, तो देखता हूँ गुड्डी उड़ता है या नहीं उड़ता है। ये देख रहे बाबा गुड्डी उड़ने लग गया है। गुड्डी देखो पतंग में, पतंग देखो अपना उड़ रहा है, इधर 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 देखा ना यार तू, इधर घर भाई लोग देखो गुड्डी में पतंग। अबे छूट मत यार, तो भाई लोग देखो यानी कि मेरा गुड्डी पूरा कामयाब हो चुका है, यानी कि गुड्डी पतंग उड़ रहा है, ओके, मैं गुड्डी बोल रहा हूँ बार बार उसको। देख सकते हो यानी कि मेरा पतंग एलेक्स बॉय नाम का यानी कि पतंग मैंने बनाया था, तो वो कामयाब हो चुका है, यानी कि अभी हवा पे पूरी तरह से उड़ रहा है। देखा कैमरा थोड़ा दे यार इधर, देख तो देखो वो देखो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यानी कि दिख नहीं रहा होगा क्योंकि पतंग बहुत ऊपर गया है, ओके। तो ये कैमरा मैन, तू कैमरा पकड़, पूरा सूता खोल दूंगा, देखता हूँ यानी कि गुड्डी कितना ऊपर, यानी कि पतंग कितना ऊपर तक जाता है। कैमरामैन सही है नहीं यार, उसको कैमरा दे रहा, तो कैमरा लेके यानी कि पूछा मुँह कर रहा है, वो ठीक से तो वीडियो नहीं बना सकता, तो वो क्या करेगा, वीडियो भी ठीक नहीं बना पाएगा तो जिंदगी में क्या करेगा। तो ये देखो एक भाई है उसको दे रहा हूँ, ठीक है, तू पकड़ अच्छे से कैमरा करना, ओके। हेलो गाइस, ये मेरे फ्रेंड के देखो गुड्डी उड़ा रहा है, देखो उधर गुड्डी देखो यानी कितने ऊपर गया, सारा देखो कितना ऊपर पे है, इधर देखो ये सारा सूता मैं खोल दूंगा, यानी कि अभी देखता हूँ यानी कि अभी कितना ऊपर तक ये जाता है, सब सब खोल दूंगा यार, यानी कि पहली बार यार मैं तो मैंने एक पतंग बना के इतना ऊपर उड़ा हूँ, ठीक है, तो बता अरे भाई कितना ऊंचा है यार। तो यानी कि एलेक्स बॉय फैमिली के नाम से यानी कि पतंग एलेक्स बॉय फैमिली की तरफ से, ठीक है, वो देखो पतंग, ओ तेरी तो, ओ, तो इसका मान जाते ये देखो पापा, मैं इसको भी लगाऊंगा, ओके, इसको भी लगा के मैं यानी कि उड़ाऊंगा, इसका भी एक था लेकिन वो चला गया, इसका पेड़ कटा के टूट गया, लेकिन इसको लगा के मैं अभी उड़ाऊंगा, उसको लगा लेता पहले, यानी कि पहले इसको यार सब सब खत्म हो गया, यानी कि ये तो अरे अरे भाई कितना ऊंचा है यार, अरे कैसे कर रहा है, देखो कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है यार, देखो वो देखो पतंग देखो कैसे, अरे भाई कितना ऊंचा है पतंग साला। तो आप लोग भी घर पे ट्राई करना, बनाने की कोशिश करना, हवा पे उड़ा के देखना, मैं तो कामयाब हो गया यार, मुझे लगा था मतलब इतना से वर्क करेगा, लेकिन मैं पूरी तरह से उड़ चुका है, ओके। ये फर्क का नदी है हमारा, देखो हम लोग इधर का नदी जो देख रहे हो, इस नदी के ऊपर भी देख रहा, इस नदी पे जब मैं मछली पकड़ने आऊंगा तो आप लोग ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा, तो जल्दी मछली पकड़ने के लिए आऊंगा जब ना, आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लेना यार। देखो कितना बड़ा नदी है हम लोग का इधर का, वो जो नदी पति दिखाई भाई बुड्ढी बहुत ऊपर गया है, देख सकते हो यानी कि ओह माय गॉड, अरे देखो कितना ऊंचा है यार, ये रहा बहुत ऊंचा है, ये लगा रहे देखो हमारा गुड्डी, गुड्डी यानी कि पतंग इस गाछ पे अटक चुका है, देखो देखो, अरे भाई देखो ये क्या सारा मजाक लगा दिया रे भाई, इतना सा सूता है लाता है यार, देखो देखो ये देखो ये अरे ये देखो उड़ाई से गन उधर, ये रे बाबा, ये रे बाबा, ये रे बाबा, ये रे बाबा, ये रे 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 अम्मी को देख, लट इधर लट इधर, अब ये उड़ा रहा है देखो पतंग उड़ा रहा है इसको, ओके मजा आएगा, ओए 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 ये गुड्डी मास्टर, इसको गुड्डी उड़ाना अच्छे से मतलब पतंग उड़ाना इसको अच्छी तरह से आता है, ओके, ये गुड्डी का संभल के
मेरा गुड्डे गया यार, मेरा पतंग गया यार, एलेक्स बॉय नाम का फैमिली गया, यानी कि मैंने एक पतंग बनाया था लेकिन कामयाब हो गया यार। भाई साहब मतलब देखो गुड्डी का पतंग देख सकते हो यानी कितने ऊपर जा चुका है, आप लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा होगा, वो देखो वो दिख रहा है आप लोगों को, ये देखो ये छुटकुसा इतना सा दिख रहा है, इतना सा मानी कि। तो गाय भाई लोग मैंने कि यानी कि फिर भी एक यार मैंने ट्राई किया बनाया लेकिन उड़ तो गया, यानी कि भाई वो ठीक है ये बोल रहे हैं यानी कि एक बड़ा बनाने की कोशिश करूँ। ठीक है भाई लोग मैं कोशिश करूँगा, मैं तो मतलब ये तो छोटा वाला था, अभी तो रुको अभी बड़ा वाला आना बाकी है, तो मैं कोशिश करूँगा बड़ा बना बनाने की, यानी कि देखता हूँ इस बार जो वीडियो आता है क्या फिर पतंग के ऊपर आएगा या ना फिर किसके ऊपर आएगा मुझे पता नहीं यार, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से यानी कि बड़ा बहुत बड़ा पतंग बनाने की। ओके और जब मैं बहुत बड़ा पतंग बनाऊंगा तो आप लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना दूंगा, अभी तक एलेक्स बॉय फैमिली ज्वाइन नहीं किया तो भाई लोग प्लीज यार हम तीनों की खातिर एलेक्स बॉय फैमिली ज्वाइन करो यार, पहले सब्सक्राइब करो भाई। तो माय गॉड धूप भी बहुत यार, धूप में पूरा ये भी कैमरा में आने वाला, तो ले इसको भी दिखा दे हमारे गांव का। हाँ इसको मैंने कैमरा बनाया था लेकिन ये जो कैमरा करना ही नहीं आता है तो इसने इसको दिया अभी लटा, इसको पकड़ा दिया, ये देख सकते हो मंजा लपेट रहा है, मैं तो सूता था लेकिन इसका मंजा था, इसको मंजा लिया मैंने थोड़ा ध्यान मंजा से उड़ाया। ठीक है पतंग बहुत ऊपर गया गाइस। ओके अरे बाबा मतलब सूरज गाइस इस ओर निकला है ना तो मैं ऊपर देख रहा हूँ, तो यानी कि मेरा आग जो है यानी कि उसे, अरे सब छोड़ देना यार जितना दूर जाता है जाने दे, इसको छोड़ 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 उसको छोड़ अटक जाएगा यार। हम लोगों का पतंग बाज यानी कि पतंग मास्टर कोई काम का नहीं है, इसको कैमरा करने दो तो भी ऐसे ऐसे कैमरा करता है, इसे एक बार नीचे दिखा रहा है ऊपर दिखा रहा है, मतलब मेरा फेस दिखाई नहीं रहा इसलिए मैंने इसको कैमरा नहीं दिया। ठीक है मतलब कैमरा ये करता है मैंने उसको, अरे देखो भाई गुड्डी नहीं नहीं यार जाने मत दे भाई, अच्छे से उड़ा उसको। ओके तो भाई लोग आज का वीडियो बस मैं इधर ही तक खत्म करता हूँ, आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करो,